आखिर क्या है तापी जिसके लिए अब पाकिस्तान मांग रहा है भारत की मदद। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान की बातों का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। क्या इससे भारत को कोई फायदा होने वाला है? क्या अगर पाकिस्तान की मदद करता है भारत तो भारत को अरबों डॉलर का फायदा होगा? ये पहली बार ऐसा सिचुएशन आया है जहां पाकिस्तान की वजह से भारत को फायदा हो सकता है, लेकिन साथ में एक रिस्क जुड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ टाटा ग्रुप ने एक बार फिर इतिहास को दोहरा दिया है, और इतिहास को दोहराने का हल देखिए, अमेरिका खुद सामने आया टाटा के लिए। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। टाटा ग्रुप ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, जो नहीं जानते हैं वो जान ले। टाटा ग्रुप वो ग्रुप है जो एक देशभक्त कंपनी के नाम से जानी जाती है। जब मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ था, उसके कुछ दिन बाद ही एक पाकिस्तानी मिनिस्टर व्यापार के सिलसिले में मिलना चाहते थे रतन टाटा से, लेकिन रतन टाटा ने सीधे मना कर दिया था। मना करने के बाद उस मिनिस्टर ने भारत के किसी मिनिस्टर के साथ जुगाड़ लगाने की कोशिश की कि वो रतन टाटा के साथ मीटिंग फिक्स कराए, और उस भारतीय मिनिस्टर ने जब कथित तौर पर फोन किया रतन टाटा को, तो रतन टाटा ने ये कहा कि आपको शर्म नहीं आती है, भले आपको नहीं आती हो, लेकिन हमारे पास स्वाभिमान है और हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे। ये दिखलाती है टाटा ग्रुप की देशभक्ति को। अब जानिए, जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। दूसरे विश्व युद्ध के समय बंद कर दिया टाटा एयरलाइंस ने अपनी सेवाओं को देना। दोबारा विमान सेवा बहाल होने के बाद 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस का नाम बदल कर दिया गया एयर इंडिया लिमिटेड, और 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद एयर इंडिया ने अपने 39% पार्टनरशिप कर ली सरकार के साथ, लेकिन 1953 ने सरकार ने कहा इसे पूरी तरीके से हमें ही दे दो, जिसके बाद टाटा ग्रुप ने इस एयरलाइंस को भारत को दे दिया, और 1953 में ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति बन गई। लेकिन बाद में लगातार ये घाटे पे चलने लगी। घाटे पे चलने की वजह से भारत सरकार ने इसका वापस से प्राइवेट करने का सोच लिया, और जैसे ही ये खबर टाटा ग्रुप को मिली, टाटा ग्रुप सबसे पहले आया सामने कि हम अपनी चीज को वापस ले लेंगे, भले ही जो प्रोसेस है, जो पैसे चुकाने होंगे हम चुकाएंगे, लेकिन हम टेक ओवर करेंगे और ये हमारी संपत्ति है, हम इसे वापस लेंगे। अब टाटा ग्रुप ने गुरुवार को एयर इंडिया पर दोबारा अधिकार हासिल कर लिया है। तो बहुत समय से चल रही थी, पर गुरुवार को 27 जनवरी 2022 को पूरी तरीके से अब एयर इंडिया टाटा ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। ऐसा होने में 65 साल जरूर लग गए, लेकिन अब टाटा ग्रुप के पास आ गया है एयर इंडिया। और बड़ी बात ये देखिए, अमेरिका का जो एक काफी बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसका नाम है US इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसने खास तौर पर टाटा ग्रुप के लिए बधाई भेजी है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने नया फैसला लिया और एयर इंडिया अब वापस टाटा के पास आ गई, ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, इसके लिए हम बधाई देते हैं। खैर, अब देखिएगा आप, ये एयरलाइंस घाटे पर भी नहीं चलेगी और इसे बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे कई मौके पर रतन टाटा अपने देश के हित में काम करने की शक्ति को दिखा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्या है जिसके लिए पाकिस्तान मांग रहा है भारत से मदद? दरअसल ये मैप देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान हो, तजिकिस्तान हो, या फिर सेंट्रल एशिया के ये देश हो, इन सेंट्रल एशिया के देशों में नेचुरल गैस की है भरमार, और नेचुरल गैस की भरमार होने की वजह से ये देश चाहते हैं कि व्यापार एक दूसरे में फैले। अब भारत भी चाहता था कि तुर्कमेनिस्तान से गैस भारत आए, लेकिन कैसे आएगा, चीन के रास्ते तो आ नहीं सकता है। तुर्कमेनिस्तान से भारत तक का अगर रास्ता तय करना है तो इसमें बीच में पड़ता है अफगानिस्तान, उसके बाद पड़ता है पाकिस्तान, और उसके बाद पड़ता है भारत। तो जिस वक्त रिलेशंस ठीक थे, उस वक्त एक प्रोजेक्ट की घोषणा की गई, और ये प्रोजेक्ट था जिसका नाम था तापी यानी T4 तुर्कमेनिस्तान, A4 अफगानिस्तान, और P4 पाकिस्तान, और I4 इंडिया। अब जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये प्रोजेक्ट बुरी तरीके से तबाह हो गया। ये प्रोजेक्ट पर काम ही रुक गया, क्योंकि यहाँ से गैस पाइपलाइन
लाइन पहुंचानी है भारत तक, और अफगानिस्तान में आ गया है तालिबान का सरकार। पाकिस्तान खुद अस्थिर हो गया है। पाकिस्तान के अस्थिरता का क्या आलम है वो ऐसे देखिए कि पाकिस्तान के 10 सैनिक, ये आधिकारिक सूचना है, जबकि हो सकता है कि इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या निकले, वो ऊपर चले गए हैं। कल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है जिसमें 10 सैनिक को ऊपर पहुंचा दिया है। ये हुआ कैसे है? सुरक्षा बलों की जांच दल एक पहुंचे और ये जांच दल को जानबूझकर फंसाया गया। फंसाकर यहां पर बलूचिस्तान में उग्रवादियों ने ऊपर पहुंचा दिया। अब आप सोचेंगे कि ये गलत है, लेकिन ऐसा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना कर रही है, शायद उसी तरीके से बलूचिस्तान भी कर रहे हैं। दोनों पर ही आरोप लगते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को षड्यंत्र रचकर फंसाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। तो ये प्रांत ऐसे ही समस्या में है, बलूचिस्तान, और जगह जगह पाकिस्तान के अंदर धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास पैसे खत्म हो चुके हैं, दिवालिया होने के कगार पर है। $1 बिलियन का बॉन्ड बेचा है, लेकिन वो बॉन्ड बेचकर भी मूर्खता ही कर दी है। पर अब पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि अगर ये तापी प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो जाता है तो ये गैस पाइपलाइन परियोजना वहाँ से आएंगी भारत। भारत जब आएंगी तो हम ऐसा करेंगे कि तुर्कमेनिस्तान से भी कहेंगे कि आप हमें किराया दो, और भारत से भी कहेंगे कि आप हमें किराया दो, आप हमारी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हो, और खुद तो हम फायदा उठाएंगे ही। हमारे पास नेचुरल गैस के रिसोर्स अब खत्म हो रहे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान इलाके में जो भी नेचुरल गैस थे वो अब इस्तेमाल कर लिया है। 1-2 सालों के लिए ही नेचुरल गैस बचा हुआ है। ऐसे में नेचुरल गैस की जरूरत पाकिस्तान को बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान चाहता है कि ऐसा हो, दोनों तरफ से फायदा हो जाए। एक तो हमें तुर्कमेनिस्तान से ये नेचुरल गैस मिलनी शुरू हो जाए, और दूसरी तुर्कमेनिस्तान से भी और भारत से भी हम किराया लेंगे। तो ये सब कुछ होगा कैसे? ये सब कुछ होगा तापी प्रोजेक्ट को शुरू करने से। अब तापी प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? अफगानिस्तान में तो अब तालिबान की सरकार है। जब ये प्रोजेक्ट बनने की बात हुई थी तब अफगानिस्तान में गनी की सरकार थी, लेकिन अब तो हालात बदल गए हैं। तो पाकिस्तान ने पहले तालिबान को मनाया कि तुम्हारा भी इसमें फायदा होगा, अगर इधर से जाएगा तो तुम माल कमाओगे। अब तालिबान को दिखा पैसा, और इस वक्त पैसे की बेहद जरूरत है तालिबान को। तो तालिबान ने कहा, ठीक है, हम इस बात के लिए सहमत हैं कि यहाँ से आप तापी प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर लो और काम आगे बढ़ा लो। पाकिस्तान ने भी कहा कि हाँ भाई, हाँ कर लो और काम आगे बढ़ा लो। लेकिन अब बात ये आ रही है कि पैसे कौन लगाएगा? इस तालिबान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो पैसे कौन लगाएगा? पाकिस्तान ने तुर्कमेनिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि आप भारत से बात करो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, और भारत ही इसमें पैसे लगाए। अब क्या ये सही होगा कि भारत इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए और पैसे लगाने के बाद तालिबान और पाकिस्तान में अपनी गैस पाइपलाइन परियोजनाओं में फंसा रह जाए, जब चाहे ये तब डिस्टर्ब करते रहें? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। क्या भारत को इस मामले में कूदना चाहिए या नहीं? जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।